आइए आज 2020 का सेट नंबर 7 जो कि लास्ट सेट है इसको हल करते हैं। एंड थ्रू आई हैव डिस्कॉर्डेड एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड, ये आपका गंगा साया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पार्ट का नाम, लेखक का नाम आप बिल्कुल लिख सकते हो। व्हाट डज आथर वांट इंडिया टू गेट हरसेल्फ रिड ऑफ, भारत किस चीज़ से, सॉरी लेखक भारत को किस चीज़ से छुटकारा दिलाना चाहता है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, आथर वांट इंडिया टू गेट हरसेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। ये सब क्वेश्चन लिखाए भी गए हैं, वीडियो भी इसकी अपलोड है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, नेहरू के लिए भारत के लिए गंगा क्या महत्व है। हुआ साक्ट इज व्हाट वाज एक्यूज्ड ऑफ, सुकरात कौन था, क्या दोष लगाया गया था, लिखाया गया, वीडियो भी इसकी अपलोड है। व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यच, यच का रूप धारण क्यों कर लिया था हमने। व्हाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजंस, ये सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट्स वाला भी सिलेबस में नहीं है, यच वाला आपको लिखाया गया, वीडियो भी अपलोड है। बल्जिंग का क्या हो जाएगा, कमिंग आउट बिल का, डिजायर मिस्ट्री का, सेक्रेट हैगलिंग का, बर्गेनिंग। देखिए पांचवा क्वेश्चन, नॉट गोल्ड बट ओनली, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप नेशन बिल्डर सिलेबस नहीं, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखो या चार लाइन कविता। सातवां क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, व्हाट डिड एंजल आस्क द किंग टू डू बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, तीसरा नहीं है, लिखाए भी गए हैं, वीडियो भी इसकी अपलोड है। अगला देखिए, जे सी ओवेंस सिलेबस में नहीं है, एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, ये क्या है, गलत है। व्हेन द सेफर्ड वाज सेट ऑन द माउंट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, बात सही है। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज ए स्टूपिड बॉय, गलत बात है, स्टूपिड नहीं था क्योंकि उसके अध्यापन केवल समझ लिया था, क्लियर, तो हाँ ये गलत है, ये फॉल्स है, स्टूपिड बॉय नहीं था, अध्यापक ने समझा था। एडिसन फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज टी रेड मोयर, चाहते थे एडिसन ज़्यादा पढ़े, सी वाला यानी तीसरा। जजमेंट सीट ऑफ इक्विपमेंट मेड ऑफ स्टोन, ओलंपिक इंपॉर्टेंट थिंग सिलेबस में नहीं है, एडिसन फंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, गेव हिम द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, तो हो जाएगा द पुअर फादर, क्लियर, गेव हिम 500 रुपीज फॉर ट्रीटमेंट। अगला है द टीचर सेड टू द बॉयज का, एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड हो जाएगा टू पास द एग्जामिनेशन। डू यू हेल्प मी, तो आई एम आई हेल्प्ड बाय यू, आई एम आई हेल्प्ड बाय यू हो जाएगा। ही वाज पनिश्ड फॉर मेकिंग इन वॉयज फॉर 7-0, आई एम प्राउड ऑफ, हाँ कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर ही लिव्स कि वह कहाँ रहता है, कुछ भी पूछ सकते हो। नेवर हो जाएगा एन ई आई जी एस बी ओ यू आर टी ओ एन जी यू ई। पंचुएशन में आई बड़े कर दीजिए, मदर के बाद कामा नोट कामा, डब्ल्यू बड़े कर दीजिए और उसके बाद फिर आई बड़े कर दो लास्ट में, बीच में जो है लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगा दोगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दोगे। हमारा देश तेजी से उन्नत कर रहा है, ये पीछे एक बार हम बताए थे, फिर भी हम स्पीडली इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं। हमारा देश तेजी से उन्नत कर रहा है, आवर कंट्री इज डेवलपिंग रैपिडली, डेवलपिंग भी कर सकते हो, प्रोग्रेसिंग भी कर सकते हो, प्रोग्रेस माने उन्नत करना, डेवलप माने विकास करना, उन्नत करना, क्लियर, डेवलपिंग रैपिडली या फास्ट भी कर सकते हो, तेजी से कहेंगे, यह एक प्रगतिशील देश है, तो आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग फास्ट ही कर दो या रैपिडली भी कर सकते हो। यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग माने भी हो जाए जो प्रगति करे, विकास करे, क्लियर, प्रोग्रेसिव भी होता है, डेवलपिंग भी होता है, तो यहाँ डेवलपिंग कर दो, डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या हैं, पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेज, इंक्रीजिंग माने बढ़ती है प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, यदि हम इन्हें कंट्रोल नियंत्रित कर लें, इफ वी कंट्रोल देम, इन्हें मतलब दो है ना, तो देम लगा देंगे, इफ वी कंट्रोल देम तो अगले काम लगा देंगे, आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट, हमारा देश महान बन सकता है, कैन बिकम ग्रेट, महान बन सकता है या
हो सकता है, क्लियर। देखिए अगला, देखिए और एप्लीकेशन लिखना प्रिंसिपल को इन गेम्स की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करने के लिए, तो ये भी आपको बताया गया है, इसकी वीडियो भी बनी। अपने फ्रेंड को एप्लीकेशन लिखना है लेटर, और उसके बाद बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट करना है। तो पीछे भी आया था इंडियन फार्मर T20 क्रिकेट मैच योर क्लास टीचर, किसी भी एक पर आपको निबंध लिखना है। देखिए आपका आंसर पैसेज है टेलीविजन के ऊपर है, इसको हम पीछे बता चुके हैं, क्लियर। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, हाउ हैज टेलीविजन चेंज पीपल्स लाइफ, लोगों का जीवन कैसे टेलीविजन बदल दिया। तो आप पढ़ोगे तो खुद बना लोगे, टेलीविजन हैज देखिए चेंज पीपल लाइफ, पीपल रीड स्लीप एंड कम्युनिकेट विथ लेस विथ मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, क्लियर। इट हैज अफेक्टेड द केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल, क्लियर। और इस तरह से ये सब लिखना है, अब इतना ही लिख दोगे तो पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब बच्चे जो है ज़्यादा समय टीवी देखने में बिता रहे हैं, बड़े लोग भी ठीक है बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं टीवी के देखने के चक्कर में, क्लियर। अब आप आगे तो और भी बता सकते हो, चिल्ड्रेन एंड यूथ स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन, क्लियर। तो टेलीविजन तक आप लिख दो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसका आंसर होगा। अगला है, हाउ हैज इट अफेक्टेड द स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ठीक है एंड यूथ, युवा बच्चों और युवा के अध्ययन कैसे प्रभावित हुआ है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि चिल्ड्रेन एंड द स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ हैव अफेक्टेड बाय ठीक है हैज अफेक्टेड बाय हाँ इट हैज अफेक्टेड कर दो, इट मतलब टेलीविजन हैज अफेक्टेड द स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ, प्रभावित कर दिया कैसे, देखिए यहाँ इट हैज बैडली अफेक्टेड नहीं दिया पांचवी लाइन में, वॉइस लिखना है इट हैज मतलब टेलीविजन है बैडली अफेक्टेड द फूड हैबिट्स ऑफ यंगर जनरेशन, दे कीप देमसेल्फ बिजी वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स पोर्नोग्राम्स आल्सो, हार्डली दे हैव टाइम टू वॉच एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट हैज बैडली अफेक्टेड द स्टडीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल लेवल्स, क्लियर। तो बस ये लेवल्स तक ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, क्लियर। इसमें से आप मेन मेन भी बता सकते हो और छोटा करना चाहो तो, क्लियर अपने हिसाब से। तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपको जो है ये बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वर्ष आने की संभावना है, गेस्ट पेपर हम आपको देंगे और उसके बाद जो उसमें से बोर्ड परीक्षा में लगभग पूरी संभावना रहती है आने के लिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पिछले साल भी हम गेस्ट पेपर डाले थे, आप 2020 का पेपर भी देखेंगे तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे, इसलिए आपको परीक्षा से पहले काफ़ी कुछ जानकारी इस चैनल पे मिलती ही रहेगी, अभी आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन निबंध जो भी हैं बचे हैं तो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यही नहीं आपको क्लास 11 में आपको भी 11th में भी इंटर की तैयारी करने के लिए चैनल से आपको मटेरियल मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, और जैसे ही आपका पेपर होगा तुरंत इसका हम पेपर का आंसर की भी अपलोड करेंगे तुरंत, तो इससे आप मिला सकते हो कि कितना नंबर हमारा सही है कितना गलत है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।